अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम शकील अहमद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्म यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मेरे पास जितने भी पीछे परिंदे खड़े हुए हैं सारे ब्रीडर हैं, ऑस्ट्रिच बिग वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले आए, चलते हम अपने ब्लॉग। फीमेल आज बहुत ठीक हुई है, इसको बहुत गर्म हुई है। जी ऑस्ट्रिच का बेबी हमारा ज़ख्मी हो गया है और इसका हम इसकी लेग्स को, इसको मेडिसिन और इसको हम ये पट्टी वगैरह बांधेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले की मुसबत ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ये देखिए, हम इसके ऊपर ये ड्राई पाउडर लगाएंगे, इसका ज़ख्म जल्दी भी ड्राई हो जाए। और इसको हम यहाँ रखेंगे, थोड़ी सी हम साथ इसको पायोडीन लगाएँगे। पायोडीन लगाने के बाद फिर हम इसको पट्टी कर देंगे। इधर से पकड़े यहाँ, ज़रा थोड़ा सा इसका ज़ख्म भर गया था, अब इंशाल्लाह ताला इसका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। और हम इसको साथ थोड़ी सी पट्टी कर देते हैं और पट्टी करने के बाद ये पहले की बनिस्बत बेहतर हो जाएगा। ओए जाए, ओए होए 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 होए, मेल और फीमेल अटैक करने के मूड में। ओए ओए भाई की तरह देखें किस तरह मेल भागते जा रहा है। ओए होए 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 भाई, ध्यान से ये देखें, भागना शुरू कर दिया इसने। इसको दाएं बाएं हो जाए भाई, बड़ा मेल तेज़ हो गया, साथ इसके फीमेल भी। ये देखें मेल से पीछे हुए हैं तो फीमेल आगे आनी शुरू हो गई है। और ये देखें फीमेल ने मारना शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। ओए होए 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 होए, ये देखिए ये मेल मेरी तरफ आ रहा था, इसको मैंने उस तरफ कर दिया। अब ये फीमेल देखें, ये देखें, ओह ओह ओह, पीछे लग गई लगी, ओह मेल, ये फीमेल इसके पीछे लग गई है। और फीमेल आज तो बड़ी एग्रेसिव हुई है भाई मारने को, इसको फुल प्लान बना हुआ है फीमेल का। ओह ओह जी, जैसे कि आपने देखा ये इस वक्त परिंदे बाहर निकले हुए हैं, ऑस्ट्रिच ये सारे नीचे घास जितना भी लगा हुआ है उसको खा रहे हैं। आज मौसम भी बहुत प्यारा है, बादल आए हुए हैं, बारिश होने का इम्कान है। सारे ऑस्ट्रिच इसलिए बाहर निकालेंगे ताकि हल्ला गुल्ला इंजॉय करें मौसम में। और ये ऑस्ट्रिच जब हमने बाहर निकाल दिए तो माशाल्लाह सभी बड़े खुश हैं और एकदम एक दूसरे के साथ देखते बातें करते हुए खा रहे हैं। और मुझे डर है कहीं मेल मुझे अटैक ना कर दिए, जिससे आप देख सकते हैं। अभी हम इन ऑस्ट्रिच को इस तरफ एक दूसरी तरफ मूवमेंट की करेंगे, उसके ऊपर सवारी करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखेंगे जितने ऑस्ट्रिच है सभी इसी वक्त माशाल्लाह दाएं बाएं सारे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें काफ़ी परिंदे बजरी भी खाना शुरू कर दी हुई इन्होंने, और मेल इस वक्त मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, मेरी तरफ देख बड़े गुस्से से रहा। तो मेल से हम बच के रहेंगे, बाकी फ़ीमेल के पास हम जाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे इसके ऊपर सवारी करने की भी। ये देखिए मेल दूसरी तरफ गया और हम आगे की तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं क्या पोजीशन है इनकी, किस तरह ये बजरी खा रहे हैं। और ये किसी ने खाना पीना भी बंद कर दिया है। होए 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 होए, ये देखिए ये ऑस्ट्रिच बेबी को मैंने पट्टी कर दी है और माशाल्लाह पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है और एक्टिव भी हो गया है। और माशाल्लाह ये देखें चलना फिरना भी इसने माशाल्लाह ठीक कर दिया है। अभी इसको कुछ मेडिसिन देंगे इसको डोज़, और साथ इसको मूवमेंट भी करवाएंगे, फीड पानी भी खिलाएं पिलाएंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला दो तीन दिन में बेहतर हो जाएगा। आज भी आज, क्योंकि इसकी लेग्स को ना कल थोड़ा सा मसला बन गया था, उसको ज़ख्म हो गया था। अब इसकी लेग्स को पट्टी करके पहले की नस्बत हमने बेहतर कर लिया, अल्लाह का शुक्र है ये ठीक हो गया। अब इसके ऊपर वजन भी डाल रहा है और चल फिर भी रहा है और अपने पेरेंट्स को इस तरफ ऑस्ट्रिच को देख भी रहा है कि बड़े बड़े ऑस्ट्रिच इस तरफ है और इसका बेबी ये है, तो ये उनको देख के खुश भी हो रहा है, आवाज़ें भी लगा रहा है। ये देखिए इसकी आवाज़ भी आ रही है, इसको थोड़ा सा आगे करें भी इस तरफ। ये देखिए ना माशाल्लाह अभी सही चल रहा है,
कल इतना वज़न नहीं डाल रहा था, अब इसने वज़न भी डालना शुरू किया हुआ है और अब ठीक है। पहुँचे हैं फ़िश के टैंकों की तरफ, जाके देखते हैं कि इनमें जो फ़िश है उसकी कंडीशन किस तरह की है। एरेशन सिस्टम हमारा प्रॉपर चल रहा है, तो अभी हम पहुँचे हैं फ़िश के टैंकी की तरफ और एरेशन सिस्टम भी हमारा चल रहा है। माशाल्लाह फ़िश भी सारी हैप्पी है। कल इसका पानी ज़रा ज़्यादा हो गया था और इसका पानी भी कम किया, और क्योंकि बारिश हो रही है और इस वजह से हम इसका पानी भी थोड़ा सा कम किया, और कल इसको पानी भी हमने चेंज किया था, और पहले की बनस्बत माशाल्लाह रेशन सिस्टम भी अब ठीक चल रहा है और फ़िश भी मूवमेंट कर रही है, फ़िश भी ठीक है। और अभी लाइट गई है, लाइट आती है तो अभी इसका पानी निकाल के फिर इसका दोबारा पानी भी भर देते हैं। ये देखिए नाज़रीन कितनी तेज़ बारिश हो रही है और माशाल्लाह ऑस्ट्रिच खूब इंजॉय कर रहे हैं, और नीचे से जितना ग्रीनिश है वो भी बड़े शौक से खा रहे हैं। और एक तरफ बजरी पड़ी हुई थी, कुछ परिंदे जुर्मट की शक्ल में वो आगे बजरी खा रहे हैं, अब कुछ नीचे ग्रीनिश लगा हुआ है काफ़ी उनको खा रहे हैं, और ये मौसम भी इंजॉय कर रही है। देखें काफ़ी बारिश है, बादल भी काफ़ी हैं और परिंदों को कोई पता नहीं, कुछ परिंदे बैठे हुए हैं, कुछ बजरी खा रहे हैं, कुछ नीचे ग्रीनिश घास लगा हुआ वो खा रहे हैं, और बाहर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मौज मस्तियाँ कर रही हैं। देखें जैसे आपने देखा नाज़रीन के परिंदे किस तरह कितनी तेज़ी से भाग रहे थे, सारे मेरे पीछे दाएं बाएं आप देख रहे सकते हैं, इस वक्त सारे खा पी रहे हैं खुले सिस्टम में, और मौसम भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो इसी के साथ आज हम इसकी का व्लॉग ख़त्म करते हैं। शकील अहमद को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।